हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीवीआर स्टडी। आप लोग कैसे हो? अगर आप लोग अच्छे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आते हैं टाइम को ना लॉस करते हुए अपने टॉपिक पे। जैसे कि आज आपका कुछ साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो चलिए देखते हैं कौन सा ऐसा क्वेश्चन है। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ नामक वैज्ञानिक ने किया था, और जो रुडोल्फ नामक वैज्ञानिक थे वो जर्मनी के प्रसिद्ध इंजीनियर थे, और इनकी खोज के आधार पर इन्होंने एक डीजल इंजन का आविष्कार किया था। इनका जन्म 18 मार्च 1858 में पेरिस फ्रांस में हुआ था, और इनकी मृत्यु 29 सितंबर 1913 इंग्लिश चैनल में हुआ था। इनका पूरा नाम रुडोल्फ क्रिस्टेन कर डिसल है। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज को ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आपको तो क्वेश्चन केवल इतना है कि डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था, रुडोल्फ ने किया था, ठीक है। लेकिन बाकी इन्फॉर्मेशन मैंने इसलिए दी क्योंकि जो खोजकर्ता है वो काफी नाम होता है और उनसे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, और इस चीज को हम हमेशा फोकस नहीं करते हैं। हम सिर्फ क्वेश्चन पे अपने जाते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेकिन मेरा कहना ये है कि आप जो भी क्वेश्चन पढ़िए उस क्वेश्चन की पूरी हिस्ट्री निकाल लीजिए कि इसके बारे में जान लीजिए, ताकि आपको कहीं से भी उस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे तो आप बहुत ही अच्छे से बता सके। ओके, तो डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ ने किया था। उनका जन्म 18 मार्च 1858 में पेरिस फ्रांस में हुआ था। मृत्यु 29 सितंबर 1913 में इंग्लिश चैनल में हुआ था। ओके, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, और 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन में इनका जन्म हुआ था, और वहां पे ये पैदा होने वाले ही साल में उनके पिता इमैनुअल नोबेल बैंकरप्ट यानी दिवालिया घोषित हो गए थे, और ऐसे में वो अपना देश छोड़कर रूस के पीटर्सबर्ग में जाकर पहुंचे और एक मैकेनिकल वर्कशॉप शुरू किए थे। जिस तरीके से उन्होंने बहुत ही कोशिश करके एक डायनामाइट की खोज की थी, देख लीजिए इनकी इमेज बनी हुई है, यही है अल्फ्रेड नोबेल जी, ठीक है, इन्होंने ही डायनामाइट की खोज की थी। ओके, तो ध्यान दीजिएगा कि इनका जन्म कब हुआ था, 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन में इनका जन्म हुआ था। चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन है, पैरोमीटर के नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है किसका प्रयोग करते हैं? उच्च तापमान, जब भी टेम्परेचर को हम नापते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है तो हम पैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बहुत से उपकरण, ऐसे बहुत से यंत्र हैं जिसका उपयोग हम हर एक चीज अलग अलग नापने के लिए करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि समुद्र की गहराई नापने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग करते हो, ठीक है, और डेसिबल आवाज सुनने की क्षमता को करते हो, ठीक है। इसी तरीके से पैरोमीटर का प्रयोग तापमान मापने के लिए करते हैं, लेकिन जब उच्च तापमान होता है तो। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए फ्रेंड्स, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? सोनार का। सोनार का प्रयोग करते हैं अगर हम समुद्र में कोई भी वस्तु डूबी हुई होती है, जैसे कि कोई भी वस्तु मान लेते हैं किसी इंसान की बॉडी ही समझ लीजिए अगर है, तो उसको जानने के लिए हम सोनार यंत्र का प्रयोग करते हैं। ओके, तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? नेक्स्ट है हमारा, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है किससे? हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से आप सापेक्ष आर्द्रता को मापते हैं, ठीक है। देखिए बहुत सारे यंत्र होते हैं और सारे यंत्र का प्रयोग हम लोग अलग अलग जगह करते हैं, तो आपको सारे यंत्र के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। सापेक्ष आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैनोमीटर के द्वारा किस यंत्र को मापा जाता है? तो मैनोमीटर का प्रयोग मतलब कि दाब को, प्रेशर को हम मैनोमीटर से नापते हैं। मैनोमीटर जो होता है फ्रेंड्स वो गैस के प्रेशर को मापा जाता है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है?
तो दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर के द्वारा हम दूध के घनत्व को मापते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा कह रहा है, ऊंचाई नाप के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है, जैसे पर्वत की ऊंचाई है ना, और हिमालय की ऊंचाई, ये किसी पहाड़ की ऊंचाई, ये किसी बिल्डिंग की ऊंचाई, इन सभी ऊंचाइयों को मापने के लिए हम लोग अल्टीमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं। अल्टीमीटर का यूज करके सारे ऊंचे चीजें हम माप सकते हैं। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टिवोमीटर। ठीक है, जो सूर्य की तीव्रता होती है, सूर्य के कितना ज्यादा टेम्परेचर है, इसको मापने के लिए हम लोग एक्टिवोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर। रडार उपयोग में आता है, किसके उपयोग में आता है? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। रेडियो तरंगों की क्या करने के लिए? वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम लोग रडार का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या है? आइडियोमीटर। आइडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। ये देखिए, आपको पता है कि ये एक उपकरण है, ऑपरेटर है, और ये ध्वनि की तीव्रता मापने के काम में आता है। ठीक है, देख लीजिए, ये आइडियोमीटर है और इसी के थ्रू हम ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं कि ध्वनि की तीव्रता कितनी तेज है और कितनी स्लो है। ठीक है, तो इस मतलब कि ऑपरेटर से या इस उपकरण से हम लोग ध्वनि की तीव्रता को नाप सकते हैं आसानी से। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है देख लेते हैं, फैदोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई को मापने के लिए फैदोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये यंत्र जिसका उपयोग महासागरीय गहराई मापने के लिए किया जाता है, और जैसे कि आप समुद्र, ठीक है, और जितने भी पानी वाले चीजें हैं, ठीक है, जितने भी गहराई वाले हैं, इन सभी का प्रयोग हम लोग फैदोमीटर के उपयोग में करते हैं। ओके, चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे देख लेते हैं। और एक चीज और बता दूं कि जो फैदोमीटर होता है, ये जल में होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों को भी ज्ञात करता है कि कितनी तेज से जल में जाता है, और मतलब कितना आवाज करता है जब ये जल में जाता है। तो इसका प्रयोग भी हम लोग फैदोमीटर का ही यूज करते हैं। देख लीजिए, कुछ इस तरीके से इमेज बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे कुछ क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, और भी आपको आगे क्वेश्चन में बता रही हूँ। देखिए, इन सारे क्वेश्चन को तो मैंने बता दिया है आपको, जैसा कि जितने भी ऑपरेटर्स हैं, और भी कुछ ऑपरेटर्स के बारे में आपको देख लीजिए। तो आपको इससे पहले मैं बता दूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। क्योंकि जो सिस्मोग्राफ होता है, उससे हम ये पता कर सकते हैं कि भूकंप कब आएगा, कितनी तेजी से आएगा, हाँ, कितने देर तक के, मतलब कितने समय में आ सकता है। तो इन सभी का अंदाजा हमें इस यंत्र से हो सकता है, सिस्मोग्राफ। ठीक है, तो हमारे संसार में बहुत से ऐसे यंत्र हैं जिसका प्रयोग हम बहुत से सारे चीज़ों को पता करने के लिए कर सकते हैं। हमारे देश में जो भी यंत्र हैं, जितने भी साइंटिफिक उन्होंने खोज की है, उनका हम बहुत ही शुक्रिया करते हैं, क्योंकि वास्तव में ये सब चीज़ों की खोज करना कोई छोटी बात नहीं है। सोचिए आप कि भूकंप, किसी का कोई अंदाजा नहीं होता कि कब आ जाए कब ना आ जाए, लेकिन फिर भी ऐसी मशीनों उन्होंने बनाई जिससे वो भूकंप तक को नाप सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यदि घर्षण ना हो तो क्या हम पृथ्वी पर चल सकते हैं? नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि घर्षण की डिफिनेशन होती है कि दो तलों के बीच कार्य करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं, और अगर हमारे पृथ्वी पर घर्षण बल ना रहे तो हम चल नहीं सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। ठीक
ठीक है, मतलब ये डिफिनेशन पूछ रहा है कि वेग की जब परिवर्तन की दर होती है उसे क्या कहते हैं, त्वरण होते हैं, वेग के परिवर्तन को त्वरण ही कहते हैं। आप छोटे से लैंग्वेज में आसानी से डिफिनेशन बता सकते हैं कि वेग की परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। ओके, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान अधिक हो तो उसका जड़त्व तो कितना होगा। ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर अधिक हो तो उसका जड़त्व तो अधिक होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्रत्येक क्रिया के विपरीत व समान प्रतिक्रिया है यह सिद्धांत किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। ठीक है, न्यूटन, न्यूटन नाम आपने बहुत सारा सुना होगा। न्यूटन बल का मात्रक भी होता है, न्यूटन वैज्ञानिक भी हैं। ठीक है, तो न्यूटन काफ़ी अच्छे साइंटिफिक थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की खोज की थी, बहुत सारे उन्होंने रूल भी बनाए थे। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे नियम प्रस्तुत किए हैं हमारे भौतिक विज्ञान में। ठीक है, और बल का मात्रक न्यूटन होता है, आप सभी को पता है। और बल का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, द्रव्यमान गुणे त्वरण, जिसको हम लोग बोलते हैं एम और ए, है ना। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। और बात करें तो उसकी सीजस पद्धति क्या होती है, डायन। ठीक है, क्या होती है, डायन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ क्वेश्चन फिजिक्स पे भी ऐसे ही देखते रहिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं, मैं फिजिक्स के ही क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जल का घनत्व तो कितने डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व तो अधिक होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है, किसी पिंड का भार किस बिंदु पर कार्य करता है। किसी पिंड का भार किस बिंदु पर कार्य करता है, उसके गुरुत्व केंद्र पर, उसके केंद्र, उसके गुरुत्व केंद्र पर। किसी वस्तु का, किसी पिंड का भार उसके गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि बल की क्रिया रेखा अच्छे से गुजरती है तो उसका आघूर्ण क्या होगा, शून्य हो जाएगा। उसका जो आघूर्ण होगा वो शून्य हो जाएगा जब भी किसी बल की क्रिया किससे गुजरती है, किसी रेखा अच्छे से गुजरती है, तो उसका जो आघूर्ण होगा वो हमेशा शून्य होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिमटा किस वर्ग का उत्तोलक है। तृतीय वर्ग का चिमटा जो होता है वो तृतीय वर्ग का उत्तोलक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा, किसी वस्तु का भार किस उपकरण द्वारा ज्ञात करते हैं। कमानी द्वार, तुला द्वारा। कमानी द्वार, तुला द्वारा हम किसी भी वस्तु का भार का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स हमारे साइंस, मतलब साइंस से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो काफ़ी बार पूछे गए हैं, इम्पोर्टेंट हैं। तो इस क्वेश्चन को आप पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर ज़्यादातर क्वेश्चन चाहिए। और आप भी अपने से कुछ बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर पूरे एक्सप्लेन वीडियो चाहिए, ताकि मैं आपके मनपसंद वीडियो बनाकर आपके पास तक ला सकूं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके लिए आते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और उसके साथ शेयर करिएगा, ताकि लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचे और सारे लोगों इस सारे क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन मिले। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम हर एक वीडियो में एक बात जरूर बोलते हैं कि हमारी वीडियो को लाइक, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लेकिन आपके मन में जरूर ये सवाल उठता होगा कि क्यों हम बार बार लाइक सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं। आपका मन होगा तो करेंगे, आपका मन नहीं होगा तो नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स देखिए, सब्सक्राइब करेंगे तो आपका ये अच्छा होगा कि आपको तुरंत ही हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जैसा कि आप हमें, आपको हम सेंड करते हैं या फिर आप बाद में देखते हैं, तो इससे आपको क्या होगा कि नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा, तुरंत हमारे वीडियो के ऊपर सबसे पहले देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, लाइक करने की बात है, तो अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें ये लगता है कि आप लाइक किया तो हमारे वीडियो लोगों को पसंद है, हम और इस तरीके से क्वेश्चन बच्चों को लाएँ, या फिर आप कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट